दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज को फोर टक ब्लाउज में कैसे कन्वर्ट करें। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे आप प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर लेते हैं, बाद में आपका मूड चेंज हो जाता है कि कोई इसमें शेप नहीं आती है और आप इसमें कप अटैच नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे फिटिंग दे सके, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो ये मैंने ब्लाउज कट कर लिया है, मुझे कप्स भी नहीं चाहिए, तो विदाउट कप में कैसे इसकी फिटिंग दे सकूं, तो वो आज आपको तरीका बताती हूँ। जैसे आप कट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम ऑलरेडी प्लेट डाल देते हैं, जो प्लेट डालते हैं हम यहाँ पे 2 इंच की डालते हैं, तो आप इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जब स्टिच करेंगे हम तो यहाँ पे थोड़ा सा और दबा देंगे, ज्यादा नहीं, 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लोगे। 1/2 इंच तो हम मार्जिन रखते ही हैं, और 1/2 इंच ले लोगे तो आप 1 इंच का ये प्लेट और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये 3 इंच का प्लेट हमारा हो जाएगा, तो इससे भी हमारा बहुत अच्छा लुक आएगा नीचे से। उसके बाद हम इसमें सेंटर में भी एक प्लेट डाल सकते हैं, जैसे नेक से ले लें नीचे तक, जैसे 8.5 इंच आ रहा है तो इसके आप सेंटर में ले लें। इसको जो ये पॉइंट है यहाँ पे से हम 1 इंच छोड़ दें, और 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पे प्लेट डालें, तो एक प्लेट हमारी ये सेंटर के आ गई, एक प्लेट हमारी नीचे है। और जो ये आर्म होल है यहाँ पे भी हम ऑलरेडी कट करते हैं, कट करने की बजाय यहाँ पे भी हम हल्का सा यहाँ पे एक्स्ट्रा दबा दें, तो देखिए आप यहाँ पे भी दबा देंगे तो हमारी एक प्लेट यहाँ पे भी अच्छे से आ जाएगी, जिससे उसकी भी फिटिंग बराबर से बैठेगी। तो ये हमारी 3 प्लेटें हो गई, और चौथी प्लेट हम बताते हैं साइड में, तो उसको भी सेम 1 इंच हमने यहाँ पे छोड़ा, 1 इंच आप यहाँ पे भी छोड़ दें इसको, और इसकी प्लेट एक यहाँ से इस तरह से ले ले। अब इसका सेंटर भी ले सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा नीचे से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम सेंटर में चाहिए, आप इस तरह से क्रॉस में भी डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा इस तरह से 4 प्लेट हो जाएंगी, तो जिससे क्या है विदाउट कप इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी। जो प्लेट डालें तो यहाँ पे एक कट दे दें, जिससे कि दूसरा साइड का प्लेट हमारा बराबर हो जाए, और जो ये सेंटर का है इसको भी आप इस तरह से फोल्ड कर लें। ये मैं बैक ओपनिंग बना रही हूँ, आप अगर फ्रंट ओपनिंग बनाते हो तो सेंटर से आप इसको कट कर दें, और जैसे नॉर्मल हुक पट्टी काज पट्टी लगाना है सेम आपको उसी तरह करना है, और कुछ चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कट है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तो इस तरह से हमारे 4 टक मार्क कर दिया है। अभी आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ, तो मैं अभी आपको इसका स्टिचिंग करने का तरीका बताती हूँ। तो जो सेंटर पार्ट है ये सीधा पार्ट है, तो इस पार्ट के ऊपर इसको हम उल्टा रख लेंगे, और मुड्डे की तरफ से हम इसमें स्टिचिंग डालेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको 1/2 इंच यहाँ से हम एक्स्ट्रा दबा देंगे, तो वो बताती हूँ। आपको तो यहाँ पर किनारे पर सिलाई डाल सकते हैं, या फिर इसको आप इसी तरह से आयरन कर लेंगे तो भी हमारी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। अभी साइड का पीस भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं, तो ये देखिए ये हमारे दोनों साइड के पीस ज्वाइंट हो गए, और यहाँ पे एक और सिलाई डाल दें जिससे और अच्छी फिनिशिंग आ जाए। अभी हम जो ये प्लेट है, अभी देखिए आप हमने सिलाई किया तो जो प्लेट के पॉइंट है वो आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रिंसेस कट में हमेशा जब हम सिलाई करते हैं तो ये पीस हमारे आगे पीछे होते हैं, इसीलिए हम हमेशा इसमें एक्स्ट्रा कर लेते हैं क्लॉथ, जिससे कि हम नीचे जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट कर सकें, इसकी शेप दे सकें। तो जो ये प्लेट हमारा इस साइड का प्लेट है सेम हम इसको यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट देते हैं, क्योंकि नहीं तो एक पॉइंट प्लेट हमारी नीचे जाएगी और एक ऊपर जाएगी, या फिर आप दोनों प्लेटों को जो पॉइंट है यहाँ पर इस तरह से पकड़ लें, और यहां से सेम पॉइंट इतना ही छोड़ के स्टिच डाल दें। तो देखिए ये प्लेट हमारी इस तरह से आएगी दोनों साइडों में। अभी सेम पॉइंट पे हम इधर प्लेट डाल देते हैं, ज्यादा नहीं, 1/2 इंच चौड़ी ले लें, सेम दूसरी साइड, हमने दूसरी साइड भी ये पॉइंट दे दिया था। तो देखिए मैंने सभी प्लेटें डाल दी हैं, तो आप देख सकते हैं कि विदाउट कप भी हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है, और शेप भी देख सकते हैं कितनी सुंदर आ रही है। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप कट कर दें, और नेक जैसे नॉर्मल नेक तैयार करते हैं सेम उसी तरह तैयार करना है, और जो नीचे है इसको भी उसी तरह तैयार करना है जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज तैयार करते हैं। तो जब आप पहनेंगे तो देखिए इस तरह से आपके ब्लाउज की शेप आएगी। इस आसान तरीके से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज को 4 टक ब्लाउज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब